नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झाजी किचन्स में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छी झटपट बनाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। ये है आम की कलौंजी। इसमें जिन चीज़ों का हमने प्रयोग किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा जीरा लेंगे, थोड़ी मेथी लेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च पाउडर भी लेंगे दोस्तों, थोड़ा साबुत धनिया, काला नमक, और इसमें आप सौंफ ज़रूर डालिएगा दोस्तों। सौंफ से इसका स्वाद उभर के आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। 250 ग्राम हमने आमी काट ली थी और अब हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे दोस्तों। मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, और आप भी ट्राई कीजिएगा। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालते हैं जीरा, और एक एक करके हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो डाल देंगे। मेथी डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इसको हल्का सा चटकने देते हैं। और फिर हम इसमें इसको थोड़ा लाल होने के बाद हम इसमें आमी डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए, जितनी भी आमी हमने काट के रखी हुई थी ये सब हम इसमें डाल देते हैं। और हम इसको एक दो बार करछी की सहायता से चला लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा अभी से दिखने में लग रहा है, और तैयार होने के बाद तो दोस्तों बहुत ही यम्मी बन रहा है ये। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी जो हमने लिए हैं डाल देंगे। नमक डाल दिया हमने, काला नमक डाल दिया, अब हम इसमें सादा नमक भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसको फिर से हम एक दो बार चला लेते हैं। ध्यान रहे ये लगनी नहीं चाहिए कढ़ाई में, इसलिए आप फ्लेम को मीडियम पे रखें। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर ताकि ये नीचे से लगे नहीं और जले नहीं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने ये बॉल से एक बॉल ले लिया है। अगर आपकी आमी खट्टी है दोस्तों तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा कम भी ले सकते हो। ये आपके खाने के स्वाद पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या थोड़ा खट्टा ही खाना पसंद करते हैं। फिर से हम इसको चला लेंगे। एक दो मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए इसमें। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी पिघलने लगी है। और हमें आमी को भी पकाना है अच्छे से, तो इसलिए हम उसी बॉल से जिससे हमने चीनी डाली थी एक बॉल पानी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि हमारी आमी भी अच्छे से पक जाए।
इस तरह से देखिए दोस्तों, आप पानी ऐड करके भी एक दो बार इसे चला दें, मिक्स करें, ताकि आपके सारे मसाले प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। आप अगर पानी और डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। अगर आप रसीला खाना चाहते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, और अगर आप ज़्यादा सूखा खाना चाहते हैं तो आप बेशक पानी मत डालिए। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। थोड़ी देर, 2 मिनट पकाने के बाद, 2 से 5 मिनट पकाने के बाद हम इसको फिर से चला के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर अब कितना सुंदर सा, अच्छा सा आ गया है। अगर आपको इतना ही गाढ़ा रखना है तो आप यहीं पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, पर मुझे अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है और आमी को भी थोड़ी और पकानी है। बहुत अच्छा सा ये बन गया है, बहुत अच्छी ग्रेवी दिख रही है। अब हम इसको